सनसनी ऑफ इंडिया। साउथ दिल्ली स्पेशल स्टाफ ने एक बड़े गैम्बलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कसीनो को 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट चला रहे थे। कसीनो में दिल्ली पुलिस के ACP के बेटे को भी स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। कसीनो साउथ एक्सटेंशन के पौश इलाके एम ब्लॉक में चलाया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि कसीनो को एक पिता पुत्र चला रहे थे। दोनों ही पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। स्पेशल स्टाफ साउथ ने इस अवैध कसीनो पर छापेमारी कर 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में बड़े पैमाने पर जुआ, रैकेट और अवैध गतिविधियों ने दिल्ली पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। साउथ दिल्ली DCP बेनिता मैरी जैकेर ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और जुआ रैकेट का भंडाफोड़ करके आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने का काम स्पेशल स्टाफ दक्षिण को सौंपा। स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने सबसे पहले संदिग्ध इलाकों में मुखबिरों का जाल बिछाया। कुछ पुलिस जवानों को सादी वर्दी में संदिग्ध लोगों और जगहों पर हर पल नजर रखने को कहा। आखिरकार इंस्पेक्टर अतुल त्यागी की मेहनत रंग लाई। 8 दिसंबर 2021 को कांस्टेबल संदीप कुमार को सूत्रों से एम ब्लॉक साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में बड़े पैमाने पर चल रहे जुआ रैकेट के ठिकाने का पता मिल गया। गैम्बलिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए साउथ दिल्ली DCP बेनिता मैरी जैकेर ने इमीडिएटली ACP ऑपरेशन की सुपरविजन और स्पेशल स्टाफ दक्षिणी दिल्ली इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के नेतृत्व में SI धर्मेंद्र, योगेश कुमार, ASI अशोक, दयानंद, अशोक कुमार, जोगिंदर, हेड कांस्टेबल राकेश, संजय, मनोज, पंकज, नरेश, रमेश, कांस्टेबल संदीप यादव, संदीप धायल, संदीप पूनिया, अशोक, अनूप यादव, अनूप मीणा, पुष्पेंद्र और कांस्टेबल लक्ष्मी की एक टीम का गठन किया। टीम ने संदिग्ध स्थान को चारों ओर से घेरकर रेड मारी। मौके से 16 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए दबोचा। गिरफ्तार लोगों में दिल्ली पुलिस के ACP का बेटा भी शामिल है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह कसीनो पिछले 10 महीने से चल रहा था। पुलिस अफसरों ने बताया कि गिरफ्तार शख्स की पहचान मनीष बिंदल और अंकुर बिंदल के तौर पर हुई है, जो पिता पुत्र हैं, जबकि तीसरा आरोपी विवेक जैन है, जो दिल्ली पुलिस के ACP का बेटा है। दिल्ली पुलिस ने रेड के दौरान आकाश शारदा नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया है। इस तरह इस मामले में कुल 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक ACP का बेटा गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस अवैध कसीनो से 1000 प्लेइंग चिप्स, 33 ब्रिक्स और करीब 1,95,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। आरोपियों ने इस बात का खुलासा किया है कि वो कसीनो चलाने के लिए लोकल पुलिस को 1.5 लाख रुपए महीना दिया करते थे। पुलिस अफसरों का कहना है कि जो भी पुलिस के अधिकारी कसीनो चलाने के लिए पैसे ले रहे थे, उन्हें भी पूछताछ में शामिल किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। चांदनी चौक निवासी 30 वर्षीय अंकुर बिंदल पुत्र मनीष बिंदल पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक शानदार जीवन जीने और आसान पैसा कमाने के लिए जुआ रैकेट चला रहा था। चांदनी चौक निवासी 55 वर्षीय मनीष बिंदल पुत्र लेफ्टिनेंट राधेश्याम पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और अंकुर बिंदल के पिता भी हैं। यह आसानी से पैसा कमाने के लिए लंबे समय से अपने बेटे के साथ जुआ रैकेट चला रहा है। सेक्टर 43 गुरुग्राम निवासी 30 वर्षीय आकाश सारदा पुत्र रमेश सारदा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और अंकुर बिंदल का करीबी दोस्त भी है। यह भी आसानी से पैसा कमाने के लिए अंकुर बिंदल के साथ जुआ रैकेट चला रहा था। चांदनी चौक निवासी 34 वर्षीय अभिषेक पुत्र मोहन शर्मा ने 12वीं तक पढ़ाई की है और अंकुर बिंदल के असिस्टेंट के रूप में कार्यरत था। बाकी गिरफ्तार जुआरियों की पहचान गुरुग्राम निवासी 27 वर्षीय साजन मुखिया, नया बाजार निवासी 43 वर्षीय प्रशांत गोयल, फरीदाबाद निवासी 31 वर्षीय मोक्ष, विकासपुरी निवासी 34 वर्षीय साहिल, कालकाजी निवासी 39 वर्षीय ललित, अशोक विहार निवासी 44 वर्षीय सचिन, गुरुग्राम निवासी 48 वर्षीय कार्तिक कल्ला, सफदरजंग एनक्लेव निवासी 28 वर्षीय विवेक, गुरुग्राम निवासी 43 वर्षीय दमनजीत सोड़ी, GK1 निवासी 32 वर्षीय शशांक जैन, मधुबन निवासी 34 वर्षीय हिमांशु जैन और डिफेंस कॉलोनी निवासी 58 वर्षीय अर्जुन अरोड़ा के रूप में हुई है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।